महाराज साहब सिंधिया जी का वहाँ से कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आप बीजेपी में आ जाइए, तो मैंने नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा भैया पाल और हमारे साथ जुड़ रही हैं जिला पंचायत सदस्य रेखा बसेड़िया और जो कि कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री हैं। क्या लग रहा है, आप भी दावेदार थी हैं गोहद विधानसभा से, मेवाराम जाटव को मौका मिला है, तो किस तरीके से आप जनता से वोट मांग रही हैं? बिल्कुल, मुझे वोट मिल मुझे टिकट नहीं मिला है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बड़े भाई अपने मेवाराम जाटव जी को टिकट मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और टिकट तो एक को ही मिलता है, देखिए ऐसा नहीं है कि 10 लोग खड़े हुए 10 लोगों को मिलेगा। और मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ थी हूँ और हमेशा रहूँगी और कांग्रेस पार्टी का काम करती रहूँगी। और मेवाराम भाई साहब को 3 तारीख को सभी लोगों से अपील करती हूँ कि मैं 3 तारीख को हम सभी भाइयों से अपील करती हूँ कि सब लोग 3 तारीख को वोट डालें और हमारे मेवाराम भाई साहब को भारी मतों से जिताएं। गोहद विधानसभा के क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में? गोहद विधानसभा के सबसे पहला तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ पे 52 गाँव ऐसे हैं, यहाँ पे खारे पानी की समस्या है। और इसके अलावा ग्रामीणों में और हमारे गोद विधानसभा में भी बहुत सारी पानी की समस्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग विधायक बने, मंत्री बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 15 साल की सरकार रही उनकी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारी गोद की जनता बहुत परेशान है। रेखा बसेड़िया जी, कितने साल से आप कांग्रेस में संघर्ष कर रही हैं इस बार? जी मैं 2008 से यहाँ पे हूँ और मैं बिल्कुल लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, हमेशा संघर्ष करती हूँ और पार्टी के लिए लड़ाइयाँ लड़ती हूँ और पोलिंग बूथों पे भी लड़ाइयाँ लड़ती हूँ। और मैं अपने कांग्रेस पार्टी को हमेशा जिताने का काम करती हूँ, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। और मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले महाराज साहब सिंधिया जी का वहाँ से कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आप बीजेपी में आ जाइए, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा महाराज साहब मेरे रसूल अलग हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हूँ, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, थी और रहूँगी। रेखा जी, जिस तरीके से आज मेवाराम जाटव की जो माँ है जो मंच पे स्टार प्रचारक सचिन पायलट के बीच जो दर्द बयां कर रही थी, आप भी एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे मेरी भी माँ है वो, और हमारी माँ की बात को सुनना चाहिए। जनता की तक आवाज़ मैं भी पहुँचाना चाहती हूँ, मैं भी एक बहन हूँ, बेटी हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी माँ जो माताजी बोल रही थी उनकी आवाज़ को सुनो और सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताओ, मेवाराम भाई साहब के हाथ मजबूत कीजिए। तो इस समय रेखा बसेड़िया जी आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई थी, लगातार हमारी बात जारी है, देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। 15 महीने आपकी सरकार रही है, तब क्यों नहीं पानी की समस्या का हल हुआ? अब देखो, 15 महीने में हम लोगों ने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद सरकार को ये लोग नंगा कर गए थे। बीजेपी वालों ने मध्य प्रदेश शासन का खजाना बिल्कुल उलूच के रख दिया था, खजाने में 2 पैसा नहीं थे। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने किस तरह से 2-3 महीने में अपनी व्यवस्थाएं बनाई, उसके बाद जो वायदा किया था किसानों से कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, 2 चरणों का कर्जा माफ़ कर चुके हैं। तीसरा चरण जब हम लोग हमारे माननीय जी किसानों का कर्जा माफ़ करने वाले थे, तब तक ये बेईमानों ने हमारे विधायकों को खरीद फरोती कर करके और हमारे माननीय जी की सरकार को गिरा दिया। तो हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लगातार हमारी बात जारी है, देखते रहिए आपकी जनता मेरे साथ। नमस्कार।